भीकमपुर चौकी क्षेत्र में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। खनन पूर्णता बंद होने के बावजूद भी खनन माफिया धड़ल्ले से काम कर रहे हैं। अवैध खनन स्टॉक की परमिशन की आड़ में किया जा रहा अवैध खनन आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि खनन माफिया ट्रैक्टर ट्रॉली में बिना किसी रोक टोक के धड़ल्ले से कर रहे हैं अवैध खनन, और खनन माफिया आपस में एक दूसरे को लात घूंसे मार रहे हैं। अगर समय रहते खनन माफियाओं के खिलाफ नहीं होती है कोई कार्रवाई तो घट सकती है अप्रिय घटना। खनन माफिया साइट को लेकर एक दूसरे पर लात घूंसों की बरसात कर रहे हैं और प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है। इलीगल माइनिंग को लेकर तहसील के द्वारा मैं पुलिस बल के लगातार कार्रवाई की जा रही है, और आपके द्वारा जो रामपुर आई घटी की बात की जा रही है वहाँ पर तो किसी को स्टॉक की परमिशन नहीं है, और बिकमपुर में एक आदमी को स्टॉक की परमिशन दी गई है। वर्तमान समय में क्योंकि नदी में भी पानी चल रहा है तो अगर इस तरह से किसी के द्वारा माइनिंग किया जा रहा है, नदी से निकाला जा रहा है नाफिया, उसको राजस्व की टीम भेजकर उस पर प्रॉपर कार्रवाई की जाएगी। लाइव उत्तराखंड के लिए लक्सर से फिरोज अहमद की रिपोर्ट। उत्तराखंड की हर खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें लाइव उत्तराखंड और बेल आइकन दबाना ना भूलें।